हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का इस टॉपिक पर चौथा वीडियो है। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर की प्लेलिस्ट दी है, उसे आप चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। आज का पहला सवाल है कि शिलालेख में भीलों के सामाजिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। आपके ऑप्शन ए चिरवा का शिलालेख, बी घटियाला शिलालेख, सी बीकानेर का शिलालेख, डी श्रृंगी ऋषि का शिलालेख। तो इसका सही आंसर है डी श्रृंगी ऋषि का शिलालेख। अगला सवाल है, बेराठ प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी। आपके ऑप्शन ए मगध, बी कौशल, सी मत्स्य, डी सिवी। तो इसका सही आंसर है सी मत्स्य। अगला सवाल है, राजस्थान की तामर युगीन सभ्यताओं में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है। आपके ऑप्शन ए बागौर, बी कालीबंगा, सी आहड़, डी बेराठ। तो इसका सही आंसर है सी आहड़। अगला सवाल है, बेराठ सभ्यता की किस पहाड़ी से बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं। आपके ऑप्शन ए विराट पहाड़ी, बी बीजक पहाड़ी, सी अशोक पहाड़ी, डी बुद्धा पहाड़ी। तो इसका सही आंसर है बी बीजक पहाड़ी। अगला सवाल है, किस सभ्यता से चांदी की पंचमार्क मुद्रा प्राप्त हुई है। आपके ऑप्शन ए आहड़, बी गणेश्वर, सी बरौर, डी बेराठ। तो इसका सही आंसर है डी बेराठ। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता से प्राप्त नहीं हुई है। आपके ऑप्शन ए तांबे की वस्तुएं, बी कृष्ण लोहित मृदभांड यानी काले लाल रंग के मृदभांड, सी चित्रित धूसर मृदभांड, डी चावल। तो इसका सही आंसर है सी चित्रित धूसर मृदभांड। अगला सवाल है, जूते हुए खेत के साक्ष्य किस सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। आपके ऑप्शन ए कालीबंगा, बी गणेश्वर, सी आहड़, डी बागौर। तो इसका सही आंसर है ए कालीबंगा। अगला सवाल है, निम्न में से किस वंश के इतिहास की जानकारी बिजोलिया शिलालेख से प्राप्त होती है। आपके ऑप्शन ए परमार, बी चौहान, सी प्रतिहार, डी राठौड़। तो इसका सही आंसर है बी चौहान। अगला सवाल है, सूची एक को सूची दो से मिलाकर सही उत्तर का चयन करें। सूची एक में सभ्यताएं दी हुई हैं जबकि सूची दो में जिले दिए हैं जहाँ ये स्थित है। सूची एक में बेराठ, गणेश्वर, आहड़ और कालीबंगा सभ्यताएं दी हैं जबकि सूची दो में जयपुर, सीकर, उदयपुर और हनुमानगढ़ जिले दिए हैं। तो इस सवाल में ऑप्शन एक सही है, यानी बेराठ जयपुर में है, गणेश्वर सीकर में है, आहड़ उदयपुर में है, कालीबंगा हनुमानगढ़ में है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। इस सवाल में एक तरफ वर्तमान नाम दिए हैं जबकि दूसरी तरफ इनके प्राचीन नाम दिए हैं। क्या भरतपुर का प्राचीन नाम बेराठ, उदयपुर का सिवी, जालौर का स्वर्णगिरी और गंगानगर का योध्य है। तो इस सवाल का सही आंसर है ए भरतपुर बेराठ। बेराठ भरतपुर का प्राचीन नाम नहीं है जबकि ये नाम जयपुर का प्राचीन नाम है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो इस सवाल में एक तरफ पुरातात्विक स्थल दिए हैं और जबकि दूसरी तरफ इनके उत्खननकर्ता के नाम दिए हैं। क्या आहड़ सभ्यता की खुदाई एच जी सांकलिया ने की थी, गणेश्वर की अक्षयकृति व्यास ने, बागौर की बी एन मिसर ने और विराट की डी आर सानी ने की थी। तो इस सवाल का सही आंसर है बी गणेश्वर अक्षयकृति व्यास। तो इस सवाल में ऑप्शन ए सी और डी तीनों जोड़े सही है जबकि बी जोड़ा गलत है। अगला सवाल है, प्राचीन राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र रहा है। आपके ऑप्शन है ये बालोतरा, बी जेतारण, सी विराट, डी सागवाड़ा। तो इसका सही आंसर है सी बेराठ। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सही सुमेलित नहीं है। आपके ऑप्शन है ये गणेश्वर सीकर, बी बागौर भीलवाड़ा, सी बेराठ उदयपुर, डी कालीबंगा हनुमानगढ़। तो इसका सही आंसर है सी बेराठ उदयपुर, बेराठ जयपुर में है। अगला सवाल है, किस महाजन पद में पांडवों ने अज्ञातवास का समय व्यतीत किया था। आपके ऑप्शन ए कौशल, बी कुरु, सी मत्स्य, डी मल। तो इसका सही आंसर है सी मत्स्य। अगला सवाल है, सिंधु घाटी से संबंधित कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है। आपके ऑप्शन ए रोपड़, बी कोटदीजी, सी धोलावीरा, डी कालीबंगा। तो इसका सही आंसर है डी कालीबंगा। अगला सवाल है, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। आपके ऑप्शन ए गौरीशंकर हीरानंद ओझा, बी फिलिप मेसन,
सी जेम्स टोड, डी विसेंट स्मिथ। तो इसका सही आंसर है सी जेम्स टोड। अगला सवाल है, अनाज रखने के बड़े मृदभांड यानी गोरे बंकोट किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? आपके ऑप्शन है आहड़, बी कालीबंगा, सी बरोर, डी जोधपुरा। तो इसका सही आंसर है ए आहड़। अगला सवाल है, निम्न में से किस स्थल से शासक मीनांडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? आपके ऑप्शन ए बरोर, बी बेराठ, सी नगरी, डी बागोर। तो इसका सही आंसर है बी बेराठ। अगला सवाल है, निम्न में से वह प्राचीन नगर जो महाभारत और महावासे दोनों में वर्णित है? आपके ऑप्शन ए मधुमिका, बी विराट, सी बागोर, डी कारकोट। तो इसका सही आंसर है ए मधुमिका। अगला सवाल है, किस अभिलेख से प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की जानकारी प्राप्त होती है? आपके ऑप्शन है ए श्रृंगी ऋषि का शिलालेख, बी गटियाला अभिलेख, सी बुचकला अभिलेख, डी घोसुंडी अभिलेख। तो इसका सही आंसर है डी घोसुंडी अभिलेख। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।